गुड मॉर्निंग बेटा, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड चेयरफुल। ओके बेटा, आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, चैप्टर नंबर 35, 40 एंड चैप्टर नंबर 42। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट द चैप्टर नंबर 35, आर प्राइम मिनिस्टर्स। ये क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो आज तक के हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे और उनके टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे कि वो कौन से टाइम से लेके कब तक वो हमारे पीएम रहे हैं। ओके बेटा, फर्स्ट वन इज 2014 से लेके आज तक प्रेजेंट टाइम तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी हैं जो, नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे 2014 से लेके अब तक के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेटेस्ट जो हमारे हैं ये अभी। नाउ सेकंड पिक्चर है 1966 से लेके 1977 तक और 1980 से लेकर 1984 तक पीएम रही हैं इंदिरा गांधी जी। ये ओनली फर्स्ट लेडी हैं जो हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इंदिरा गांधी जी। नाउ थर्ड वन इज 1996 से लेके 1997 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बेटा एच डी देवगौड़ा जी। वन ईयर के लिए ये हमारे पीएम रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनका टाइम पीरियड क्या है बच्चे? 2004 से लेके 2040 तक ये हमारे पीएम रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। नाउ फिफ्थ वन इज 1990 से लेकर 1991, एक साल के लिए ये हमारे पीएम रहे हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जो हैं हमारे 1990 से लेके 1991 तक पीएम रहे हैं। नाउ सिक्स वन इज 1996 में एक बार रहे हैं एंड 1998 से लेकर 2004 तक ये हमारे पीएम रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वन इज 1979 टू 1980। अगेन टाइम पीरियड बहुत कम है इनका, वन ईयर बन रहा है यहाँ पे। तो इनका क्या है, चरण सिंह है ये, 1979 टू 1980 तक चरण सिंह जी जो हैं पीएम रहे हैं हमारे इंडिया के। देन 1997 टू 1998 जो हैं इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल जो हैं हमारे पीएम रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट नंबर नाइन पे हैं ये 1964 टू 1966 हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं हमारे इंडिया के पीएम रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देन 10 नंबर पे है हमारे पास, टाइम पीरियड है उनका 1964 एंड 1966, मींस एक बार 1964 में रहे हैं एंड एक बार 1966 में बने हैं। कौन है ये बेटा? गुलजारी लाल नंदा। 1964 से लेके 1966 तक नहीं है, एक बार 1964 में है और 1966 में दूसरी बार बने हैं ये गुलजारी लाल नंदा जी। ओके बेटा, नाउ 11th वन है जो 1977 टू 1979, टू इयर्स के लिए हैं ये मोरारजी देसाई जो हमारे पीएम रह चुके हैं। 1984 टू 1989 ये हैं हमारे राजीव गांधी जी जो हमारे पीएम रह चुके हैं 1984 टू 1989। ओके, नाउ थर्टीन वन इज
1989 टू 1990 हमारे पीएम कौन रह चुके हैं? वीपी सिंह। 1989 टू 1990 के लिए हमारे पीएम रह चुके हैं वीपी सिंह। नाउ नेक्स्ट 14th इज पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो है 1991 टू 1996 हमारे पीएम रह चुके हैं बेटा। और जो 15 पे हैं 1947 से लेके 1964 तक हमारे पीएम रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ओके बेटा, ये हमारे जो पीएम अब तक के पीएम रहे हैं उन सभी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। ओके बच्चे, नाउ आर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 40 मेजर माउंटेंस। एज यू नो बेटा, बहुत सारे माउंटेंस हैं और हर एक के यूनिक फीचर्स हैं माउंटेंस के। हमारे पास क्या है, उनमें से कुछ माउंटेंस की पिक्स दी गई हैं, हमने उनके माउंटेन रेंज पता करनी है वो कहाँ पे हैं। ओके बेटा, नाउ फर्स्ट वन इज इट इज़ द होम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑन द प्लैनेट माउंट एवरेस्ट। क्या है, इट इज़ द होम ऑफ हाईएस्ट पीक है प्लैनेट पे, ये माउंट एवरेस्ट में, कहाँ पे है ये, हिमालयस में। ओके, नाउ सेकंड वन इज इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। ये जो दिखाए गए हैं हमें माउंटेन, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है यूरोप में, इसको क्या बोलते हैं, एल्पस। ओके बेटा, नाउ थर्ड वन इज इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। ये क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका में, क्या बोलते हैं इसे, माउंट किलिमंजारो। इट इज़ द मोस्ट सब्सटेंशियल माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, मोस्ट सब्सटेंशियल रेंज, माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, कौन सी है ये, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नाउ फिफ्थ वन इज ये सभी रेंज के नेम बता रहे हैं बेटा, ये कौन सी रेंज कहाँ पे है और उस नेम उसका क्या नेम है। फिफ्थ वन इज माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज। माउंट एल्बर्ट क्या है बेटा, हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज है, कौन सी है ये, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स की है। नाउ सिक्स्थ वन इज इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज इन द वर्ल्ड। ये हाईएस्ट, ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज है, सबसे लंबी रेंज है ये, एंडेस वर्ल्ड की है, ये एंडेस है बेटा। ओके बेटा, ये था हमारा चैप्टर नंबर 40। नाउ चैप्टर नंबर 42, लैंग्वेज क्या है बेटा, हम किस लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आप और हम बातें करते हैं एक दूसरे से लिए, इसके लिए लैंग्वेज यूज़ होती है, रिटन फॉर्म में होती है और स्पोकन में। क्या है, आप कोई भी काम रिटन फॉर्म में भी करते हो, रिटन में भी करते हो, और बोल कर भी हम काम करते हैं, स्पोक करके भी करते हैं। ओके, और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। हमारे पास कुछ पिक्स दी गई हैं बेटा, हमने इनको देखना है और इनकी लैंग्वेज को बताना है। ओके बच्चे, नाउ फर्स्ट वन इज़ ये कहाँ की पिक्चर है, यस ये पंजाब में है, हरिमंदर साहिब की है, और पंजाब में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाबी, इसलिए हमने नंबर वन पे पंजाबी फिल किया है। नाउ सेकंड वन इज़ ये गेट है कहाँ के है, ये बेटा गुजरात में बना हुआ है, और गुजरात में कौन सी लैंग्वेज है, गुजराती, गुजराती लैंग्वेज गुजरात में बोली जाती है। थर्ड वन इज़ ये मंदिर जो हैं, टेंपल हैं, ओडिशा में बने हुए हैं, और वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, ओरिया। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज हैं बेटा ये। फोर्थ
ये गेट बना हुआ है बेटा महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मराठी। मराठी लैंग्वेज है जो महाराष्ट्र में बोली जाती है। नाउ फिफ्थ वन इज़, ये जो टेंपल दिखाई दे रहा है बेटा, ये कहाँ पे बना हुआ है? तमिल में, और तमिलनाडु में बना हुआ है। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है बच्चे। और सिक्स वन, क्या ये ब्रिज दिखाया गया है, और ये कहाँ पे है? बंगाल में है बेटा, और बंगाल में बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है। ओके बच्चे, लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन का एक मोड है बेटा, बिटवीन इंडिविजुअल बट आल्सो द वे टू एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटी। हम लैंग्वेज के थ्रू ही दूसरे पर्सन को अपने कोई भी लैंग्वेज के थ्रू ही हम दूसरे पर्सन को अपनी आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अपने आप को विचार उनके सामने पेश कर सकते हैं। एज यू नो बेटा, संस्कृत क्या है? हमारी सबसे ओल्ड लैंग्वेज है, और संस्कृत को लैंग्वेज ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ओके बच्चे, और ये हमारे आज के चैप्टर्स थे जो आज हमने रिवाइज किए हैं, चैप्टर नंबर 35, 40 एंड 42। आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से लर्न करना है बेटा। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।